दोस्तों अगर आप एक IPL फैन हैं, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो IPL 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप भी अभी RS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और IPL 2018 की सभी न्यूज का मजा सबसे पहले पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस एंटरटेनमेंट की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2018 के बेहद रोमांचक मैच की, जो खेला जाना है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। दोस्तों ये मैच काफी रोमांचक इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है अगर इन्हें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि अभी तक इनके 13 मैचेस में 14 पॉइंट्स हैं और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी है क्योंकि इनका नेट रन रेट को भी देखा जाए तो वो काफ़ी नीचे है। क्योंकि अगर 14 पॉइंट्स पर यही टीम सिमट जाती है तो कहीं ना कहीं इन्हें नेट रन रेट के कारण प्रॉब्लम होने वाली है और ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें ये मैच जीतना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दोनों ही टीम्स के बीच में जो लास्ट मैच खेला गया, मैच नंबर 10th IPL 2018 का, उसमें कौन सी टीम ने बाजी मारी थी और मोमेंटम देखने वाले हैं हाल फिलहाल में कैसा मोमेंटम है कौन सी टीम के पास, हेड टू हेड मैचेस में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, की प्लेयर्स क्या क्या रहने वाले हैं, प्लेयर बैटल क्या है इस मैच के लिए कि आमने सामने कौन सा प्लेयर किसे प्रॉब्लम में डालता है, और अंत में हम ये सभी स्टैट्स को देखने के बाद प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट मैच में क्या कहानी रही है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने लास्ट मैच में 138 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स ने इन्हें रोक कर रखा था। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आसानी से 19वें ओवर में ही मैच को जीत लिया 5 विकेट खोकर, और यहां से ही उन्होंने पॉइंट्स टेबल में बढ़त हासिल कर ली। तो वहीं जो इनके पास अब मोमेंटम को देखा जाए दोनों ही टीम्स के पास कौन सी टीम के पास ज़्यादा बेटर मोमेंटम है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स का आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ था जहां पर इन्होंने 6 विकेट से उस मैच को जीता है। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात की जाए तो RCB के साथ इनका आखिरी मुकाबला था जो 14 रनों से ये हार गए हैं, यानी आखिरी 2 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गई है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हार गई है, यानी साफ तौर पर मोमेंटम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है जो कि KKR के लिए एक अच्छी बात है। तो वहीं अब अगर हम हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो हेड टू हेड मैचेस में दोनों ही टीम्स के बीच में अब तक 13 मैचेस खेले जा चुके हैं जिनमें से कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर है क्योंकि इन्होंने 8 मैचेस जीते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 5 मैचेस ही जीते हैं। तो वहीं नो रिजल्ट वाले मैच की बात की जाए तो ऐसा कोई भी मैच नहीं रहा है जिनमें इनका रिजल्ट ना आया हो। तो एक और जो बेहद इंटरेस्टिंग स्टैट है जो लास्ट 5 मैच को लेकर है, आखिरी के 5 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 और सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 मैच जीता है, और जो 1 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता है वो यही IPL 2018 में जीता है, यानी आखिरी मुकाबला जो इन दोनों ही टीम्स के बीच में हुआ वो सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता जरूर है, लेकिन हेड टू हेड मैचेस में कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का पलड़ा भारी है और मोमेंटम को भी देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं की प्लेयर्स कौन कौन से रहने वाले हैं इस मैच के लिए, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नारायण, आंद्रे रसल, क्रिस लिन और दिनेश कार्तिक, ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ टीम को मैचेस जितवा रहे हैं। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए तो एलेक्स हेल्स भी अब शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छे फॉर्म के साथ अच्छी पारियां खेल रहे हैं। तो वहीं शिखर धवन और केन विलियमसन लगातार ही कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहीं बॉलर्स में देखा जाए तो राशिद खान भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की जीत को लेकर, और इन्हीं 3-4 प्लेयर के बलबूते पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम यहाँ पर टेबल टॉपर है। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि इस मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है, तो दोस्तों प्रेडिक्शन में एक बार मैं फिर आपको बताऊं, कोलकाता नाइट राइडर्स को ये जीत जरूरी है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए और मोमेंटम भी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ही है, और हेड टू हेड मैचेस में भी हमने देखा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है, यानी इस हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मैच को 65% के साथ जीत रही है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 35% के साथ इस मैच को जीत रही है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है,
कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और आईपीएल 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप